गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए सारे खोजी बैठे हैं। खोजी जो सत्य जान रहे हैं, जान रहे हैं कि ईश्वर ही खोज करता है, स्वयं की खोज करता है। मनुष्य देह के द्वारा ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। ईश्वर वह आँख है जिसे मनुष्य का आईना चाहिए। अपना दर्शन करके ईश्वर इस लीला में कुछ निर्माण करता है जो महानिर्वाण निर्माण तक ले जाता है। इस समझ के साथ बिना अहंकार बिना क्रेडिट लिए प्रार्थना करें। सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का भाव दिया गया है उसके लिए सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद कहें। हाथ जोड़कर, हे ईश्वर आपका धन्यवाद यह भाव देने के लिए, सभी की मंगल कामना करने के लिए, इस सुंदर भाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खोज थी तेरी तू ही था खोजी, खोज हुई पूरी हुई, माया से खुद को मुक्त है किया। हे ईश्वर अपनी ही खोज में जो लीला रची गई है उसमें जो भी पीड़ित हैं उन्हें भी यह बुद्धि मिले, वे भी मैं बनकर जो दुख भुगत रहे हैं वे दुख समाप्त हो जाएं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं, सभी विवेक दृष्टि से ये सारा नाटक देख पाएं, ऐसी सद्बुद्धि सबको दो। हे ईश्वर सभी संदर्भ पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जान पाएं, अपने केंद्र को पहचान पाएं, सभी अपने केंद्र पर पहुंचें ताकि पता चले कि सभी मनुष्यों के सभी जीवों के केंद्र आपस में जुड़े हुए हैं, भीतर से सभी जुड़े हुए हैं। एक की मंगल कामना सभी के लिए मंगल कामना है, सभी के लिए की गई मंगल कामना अपने लिए की गई मंगल कामना है।
तो बड़े हृदय से, दिल से, भाव से, श्रद्धा और विश्वास से सभी यह शुभ कामना करें कि सभी का मंगल हो, तेज मंगल हो, सभी को बुद्धि मिले, सभी अपने केंद्र से देखें और प्रार्थना करें, प्रेम से प्रार्थना करें। जब विवेक दृष्टि मिलती है तब पूरे भाव से प्रार्थना उठती है। दुखों से मुक्ति दिलाने वाली प्रार्थना उठती है, दुखों को बल बनाने वाली प्रार्थना उठती है। हे ईश्वर, दुखों से, परेशानियों से लोग परेशान न होकर बल प्राप्त करें, आत्मनिर्भर बने, ताकि सदैव वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएं, स्वस्थ रह पाएं। सभी अपने रोजगार के लिए हाथ न फैलाएं, सभी आत्मनिर्भर बनकर विकास और तेज विकास की नई नई ऊंचाइयां छुएं। ऐसी विवेक बुद्धि पाकर सभी हेलीविजन से, हेलीकॉप्टर से, यानी उच्च दृष्टि से देख पाएं और अपने सारे प्रश्नों से मुक्त हो पाएं। बुद्धि का उच्चतम उपयोग करके लोग जान जाएं कि बुद्धि की लिमिटेशन क्या है, बुद्धि का इस्तेमाल कितना करना है, यह भी वे बुद्धि से जान जाएं। सभी खोज कर पाएं, बल प्राप्त करके, स्वास्थ्य प्राप्त करके, संतुष्टि प्राप्त करके खोज कर पाए, इस बात की खोज के वे कौन हैं, क्योंकि स्वयं को जानकर, स्वयं को पहचान कर, खुद को अलग मानने वाला व्यक्ति दफन होता है, विलीन होता है। सभी को मनन करने की आदत पड़े, प्रार्थना करने की हैबिट मिले, सभी सकारात्मक विचारों के मालिक बने, सभी स्व पर स्थापना प्राप्त करें। इस शुभ इच्छा को पूरा करने के लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, सभी आज अपनी विवेक दृष्टि को पाकर धन्य हुए हैं, मुक्त हुए हैं, मुक्ति की तरफ, मुक्ति में स्थापित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें, जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।